चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बात करेंगे पाकिस्तान की, उस पाकिस्तान की जो पूरी दुनिया में आतंक का चेहरा बना हुआ है, जिसके यहां पर बड़े बड़े आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं। भारत बहुत सारे सबूत दे चुका है, अमेरिका बहुत सारे आतंकियों पर पाबंदी लगा चुका है, बावजूद उसके वो आतंकी वहां पर चुनाव लड़ने तक की तैयारियों में लगे हुए हैं। उस पाकिस्तान का एक बड़ा बयान आया है जो आज जनसत्ता में छपा है, जनसत्ता की वेबसाइट पर छपा है। पाकिस्तान का एक बड़ा अखबार है द डॉन, उसके हवाले से जनसत्ता ने यह खबर प्रकाशित की है। खबर बड़ी है, मुझे लगा कि आपको इससे अवगत कराना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो आतंक का चेहरा बन चुका पूरी दुनिया में, वो हिंदुस्तान पर सवाल खड़ा कर रहा है कि हिंदुस्तान ने अपने 400 मुस्लिम युवकों को, यानी कि 400 मुस्लिम हिंदुस्तानियों को ट्रेनिंग लेने के लिए अफगानिस्तान में भेज दिया है। कहां की ट्रेनिंग भाई, कि वहां से ट्रेनिंग लेके पाकिस्तान में के अंदर आतंकी हमला करें। सुनिए, सुन के भी आपको बड़ा अजीबो गरीब, बड़ा हैरत अंगेज ये खबर लगेगी। दिलचस्प भी हो सकती है, रोचक भी हो सकती है, लेकिन सोचने की जरूरत है, इसके पीछे कई पहलू भी काम कर रहे हैं। हो सकता है क्या मंशा के तहत ये बयान दिया गया और अगला क्या मंजर हमारे सामने आने वाला हो, लेकिन अभी बड़ी खबर यही है, पाकिस्तान ने जो खुद एक आतंक का चेहरा है वो कह रहा है कि हिंदुस्तान ने अपने 400 मुस्लिम नौजवानों को अफगानिस्तान में भेजा है ट्रेनिंग लेने के लिए, वहां से वो ट्रेनिंग लेकर पाकिस्तान के अंदर आतंकी हमला करेंगे, खुदकश हमला करेंगे। ये रिपोर्ट छापी है जनसत्ता ने द डॉन अखबार के हवाले से। द डॉन पाकिस्तान का बड़ा मशहूर अखबार है। क्या दिखाया गया पूरी खबर के अंदर वो आपको बताते हैं। आजकल चीन और पाकिस्तान के बीच चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है CPEC। इस कॉरिडोर को लेकर जो वहाँ का गृह मंत्रालय है, जो होम मिनिस्ट्री है, उसने वहाँ की एक सरकार गिलगित बाल्टिस्तान को एक लेटर भेजा है और कहा है, सेक्रेटरी वगैरह के स्तर से लेटर जारी हुआ है, और वहाँ की गिलगित बाल्टिस्तान सरकार से कहा गया है कि हमें सूचना मिल रही है खुफिया तरीके से कि हिंदुस्तान ने अपने 400 मुस्लिम नौजवानों को, 400 मुस्लिम युवकों को अफगानिस्तान में भेज दिया है दहशतगर्दाना ट्रेनिंग लेने के लिए, आतंकी ट्रेनिंग लेके उसके बाद वो इस कॉरिडोर पर हमला कर सकते हैं, इस कॉरिडोर को तबाह बर्बाद कर सकते हैं, बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉरिडोर बनने से पाकिस्तान और चाइना के बीच में व्यापार, जिसको नाम भी दिया गया है इकोनॉमिक कॉरिडोर, व्यापार बड़े स्तर पर फैल जाएगा, उससे हिंदुस्तान काफ़ी परेशान है, चिंता है, ये इल्ज़ाम उन्होंने लगाए हैं अखबार में, उसके चलते हिंदुस्तान यहाँ पर आतंकी हमला करवा सकता है। उसके बाद जो हुआ, अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक गिलगित बाल्टिस्तान की सरकार ने इस हाईवे पर 2 दर्जन से ज़्यादा फ्लाईओवर जो बन रहे हैं उन पर ज़्यादा चौकसी बढ़ा दी है, ज़्यादा फोर्स लगा दी है। ये बड़ी खबर आ रही है, मुझे लगा इस खबर के बारे में आपको बताना चाहिए। कमल फाज की खबर है, ज़्यादा इसको क्या खींचना, लेकिन इस खबर के कई माने ज़रूर हैं। क्या कुछ नया हमारे सामने होने वाला है? क्या पाकिस्तान पहले से ऐसी खबरें प्रकाशित कराकर, ऐसी खबरें प्रसारित कराकर, प्रचारित कराकर कुछ नया गुल खिलाने वाला है? क्या रूप हमारे सामने इसका आने वाला है? वो किस आधार पे दावे कर रहा है कि 400, बात काउंटिंग की देखिए, वैसे तो एक राजनीति हमारे मुल्क में है और पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ के लोगों को दहशतगर्द बताया जाता है, जैसे जाधव को बताया जा रहा है, और हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान का कोई भी मामला हो उसको दहशतगर्दाना कार्रवाई से जोड़कर देखा जाता है। और यहाँ की जो मीडिया है, यहाँ की हमारी मीडिया है, हर शाम बैठ जाती है, कई सारे चैनल हैं हमारे, वो रोज़ अपने स्टूडियो से पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देते हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान के बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं जो वहाँ बैठकर दुनिया की हस्ती से हिंदुस्तान का नाम मिटाने की बातें करते हैं। तो आजकल मीडिया ही सब कुछ हो गया है, मीडिया ही अब कर्णधार है, किसी सेना की ज़रूरत नहीं है, किसी सरकार की ज़रूरत नहीं है, खासकर एंकर ही सब कुछ हो गए हैं अब। योद्धा
परमवीर योद्धा, सब कुछ मैं कहता हूं परमवीर चक्र, सूरवीर चक्र जितने भी है मीडिया के एंकरों को देने चाहिए, इस सरकार को भी और वहां की सरकारों को भी। लेकिन अभी बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान जो खुद एक आतंक का चेहरा बन चुका है, वो पाकिस्तान हिंदुस्तान पर इल्जाम लगा रहा है कि हिंदुस्तान ने वहां पर आतंकी हमला कराने के लिए अपने 400 मुस्लिम युवकों को, नौजवानों को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया है। जो CPEC कॉरिडोर उसका बन रहा है उसको खराब करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए हिंदुस्तान इस तरीके की अपने युवाओं को, अपने नौजवानों को, खासकर मुस्लिम नौजवानों को अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दिला रहा है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी इसके बारे में आप अपनी कमेंट्स के रूप में अपनी राय दे सकते हैं, हमारी खबर को लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर ऐसे ही सुलगते हुए मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दे इजाज़त।